चलिए अब बात कर लेते हैं सुप्रीम सुनवाई की। बजरी पर आज सुप्रीम सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी बजरी खनन पर। आज पिछली सुनवाई में बजरी खनन को लेकर कोई राहत नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने MOEF से 82 लीज की रिपोर्ट मांगी थी और आज इस पर सुनवाई होनी है। बजरी खनन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, पिछली सुनवाई में राहत नहीं मिली थी। खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने MOEF से 82 लीज की रिपोर्ट मांगी थी और आज इस पर सुनवाई फिर से सुप्रीम कोर्ट। बड़ी खबर इस वक्त सुशील पांडे मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सुशील, क्या जानकारी, क्या अपडेट, कितनी देर में ये सुनवाई शुरू होगी और क्या कुछ रह सकता है आज की सुनवाई में? लगभग 12:30 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ फायर और एनवायरनमेंट से ये मांगा था कि जो 82 लीज है उन सभी लीजों का जो डिटेल एफिडेविट है वो दाखिल किया जाए। हालांकि उन्होंने कहा था कि जब तक इस पूरे मामले पर एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का क्लियरेंस नहीं आएगा तब तक वो फिलहाल अलाउ नहीं करेंगे बजरी खनन। हालांकि राहत नहीं मिली है लेकिन बजरी एसोसिएशन की तरफ से नवीन शर्मा जी हैं जो लगातार कोर्ट में आते रहते हैं। सर, आज एक उम्मीद लग रही है कि आपको कि क्या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट क्लियरेंस दे सकता है क्योंकि लंबे समय से फिलहाल खनन पर रोक लगी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की क्लियरेंस का जहाँ तक सवाल है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने लास्ट हियरिंग के ऊपर एफिडेविट सबमिट कर दिया था और माननीय न्यायालय ने उसकी कॉपी और पार्टीज को नहीं दी थी। उस चीज़ को लेकर के नेक्स्ट हियरिंग आज की रखी थी और सबको कॉपी सर हो चुकी है और आज हम उम्मीद लेके आए हैं कि पॉजिटिवली आज कुछ न कुछ रिलीफ राजस्थान को मिलेगी और बजरी शायद आज चालू हो जाए, ऐसी हम एक्सपेक्टेशन उम्मीद लेके हम आज कोर्ट में जा रहे हैं। देखिए सर, खनन को लेकर पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट खासा गंभीर था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि गंगा यमुना जैसी नदियां सूखती जा रही हैं, ऐसे में प्रशासन को गंभीर से गंभीर कदम उठाने की जरूरत है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए जांच कर रहा है, एफिडेविट फाइल कर रहा है। तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट एनवायरनमेंट के मामले को लेकर इतनी जल्दी आप लोगों को राहत दे देगा? नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिमांड रखी थी जैसे रिप्लेसमेंट स्टडीज वगैरह वो फुलफिल 19 लीजों की हो चुकी है, वो अपलोड भी हो गई है और उसके ऊपर MOEF अपना एफिडेविट भी सबमिट कर चुका है। ऐसी स्थिति में हमें एक्सपेक्टेशन आया हमारे हम लोगों को कि शायद आज कुछ न कुछ रिलीफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बजरी खनन को लेकर राजस्थान को मिले। तो फिलहाल ये उम्मीद है फिलहाल एसोसिएशन के लोगों का कि उन्हें उम्मीद मिल सकती है, लेकिन देखना यह होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट क्या 82 जो लीज थी जिसकी एफिडेविट डिटेल एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी क्या आज वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करता है या कोई या और समय मांगता है। लेकिन उम्मीद लोगों को यही है कि आने वाले दिनों में या आज सुप्रीम कोर्ट फिलहाल एक अंतरिम रिलीफ जरूर दे सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिलहाल पर्यावरण के मामले पर पिछली सुनवाई के दौरान साफ तौर से कहा था कि वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मामले में समझौता नहीं कर सकता है। तो महत्वपूर्ण सुनवाई आज होगी सुमित और देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम पक्षकार अपनी क्या कुछ दलीलें देते हैं, केंद्र सरकार अपनी क्या कुछ दलील देती है इस मामले में। जी बिल्कुल, क्या ये भी रह सकता है, पर्यावरण मेन मुद्दा है सुशील, पर्यावरण की वजह से ये रोक लगाई गई, पर्यावरण में किसी भी तरह का सुप्रीम कोर्ट ढील नहीं देगा, पर्यावरण निर्देशों को मानते हुए अगर खनन किया जाए तो क्या किसी नियम में किसी नीति में बदलाव के बाद अगर खनन किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट क्या राहत दे सकता है इसको देखते हुए? जी देखिए, साफ तौर से है कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री पर्यावरण मंत्रालय और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ साथ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये तमाम जो एजेंसियां हैं वो खनन के लिए अगर मंजूरी देती हैं तो सुप्रीम कोर्ट पहले उन मंजूरियों को देखेगा, उसके बाद उम्मीद ये लगाई जा सकती है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट खनन को लेके कोई गाइडलाइन फ्रेम करे। लेकिन फौरी राहत फिलहाल अभी देने के मूड में सुप्रीम कोर्ट नहीं लग रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से ये कहा है संबंधित सभी एजेंसियों को और केंद्र सरकार को कि वो बाकायदा एक डिटेल स्टडी करें और ये बताएं कि जो 82 लीज है उस लीज को लेकर उन्होंने क्या क्या टर्म्स और क्या क्या कदम उठाए हैं। 19 लीजों को लेकर पिछली बार कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया था लेकिन कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि 82 अगर पूरे लीज हैं तो सभी लीज का हलफनामा दाखिल किया जाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उन तमाम हलफनामों को कंसीडर करेगा और उसके बाद ये देखेगा कि आने वाले दिनों में या भविष्य में क्या बजरी खनन के लिए वो पर्यावरण मंत्रालय के आधार पर उन्हें राहत देता है या नहीं देता है, ये महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने MOEF से 82 लीज की
रिपोर्ट मांगी थी, आज वो रिपोर्ट देखने के बाद देखना होगा कि राहत मिलती है या नहीं, लेकिन पर्यावरण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई थी, अभी फिलहाल यही अंदाजा लगाया जा रहा है और रोक शायद ना हटे और जो राहत की उम्मीद जताई जा रही है राहत फिलहाल ना मिले। देखना होगा 12:30 बजे सुनवाई होगी, उसके बाद क्या कुछ रहता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अन्ना हजारे राजघाट